बटियागढ़ थाना अंतर्गत केरबना चौकी के गुगरा गांव में एक 30 वर्षीय व्यक्ति की नहर में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने बताया कि चंदू उर्फ राजेंद्र रैकवार सुबह से घर से निकल गया था। वह शराब पीने का आदी था और गांव के एक व्यक्ति के साथ उसने शराब पी और गाली गलौज कर विवाद शुरू हो गया। शाम को परिजनों को पता चला कि गांव की नहर में व्यक्ति की लाश पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही है, जहां मौके पर केरबना चौकी पवन तिवारी पहुंच गए। शव को नहर के पानी से बाहर निकलवाया गया और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को पुलिस के द्वारा सुपुर्द किया गया। आखिरकार पुलिस के लिए यह जाँच का विषय बना हुआ है कि व्यक्ति की आखिरकार मौत कैसे हुई है। किस गाँव से है? गुगरा से। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई सुबह हाथ मौत होकर निकल गया, स्टैंड में पहुंचे एक व्यक्ति की लोहा गया, दारू खोरी को नाम हम भागी रात और जाके उनकी गाड़ी गोल्ला भाई। इसके बाद हमें शक है कि मारा पीटा है। इसके बाद हमें सूचना मिली कि तुम्हारा भाई खत्म हो गया। पुलिस ने सूचना दी तो हमने देखा तो ऐसे पीटे पीछे ऐसे निशान है जैसे जलाया गया हो पशु से, और उसका नाम है राजेंद्र। किसका? हमारे भाई का। कैसे ये घटना हुई? ये घटना ऐसे हुई कि सुबह सुबह निकला घर से और एक व्यक्ति की लुआ गया कि चलो दारू पीने के लिए गया, और इसके बाद चलेगा बगिया, बगिया से वो वापसी खड़े आया और हमारा भाई नहीं आया। और जब पुलिस को सूचना मिली और हमें सूचना दी कि तुम्हारा भाई है, हम की हाँ सर, तो कहाँ से निकाला गया तो उसके पीछे मारपीट करी हो जैसे, और पीछे जैसे जलाया गया हो कसम से। किस गांव से हैं? गुगरा से। क्या घटना हुई है? ये हमारे चाचा ये सुबह मुँह हाथ धो के निकले, एक व्यक्ति के साथ मतलब वे गए स्टैंड में, गए स्टैंड से बगिया गए, दारूखोरी भी भाई उनकी दारूखोरी होकर मतलब फिर वे नहर में पास में मिले हैं चाचा हमारे, उनके मतलब पीछे मतलब जले कैसे निशान मिले उनके लाने है। जब मतलब चौकी से फोन आ जाओ उनकी जानकारी मिली, जब मतलब हम देख के लाने गए। क्या नाम था मृतक का? मृतक का राजेंद्र कुमार। कैसी घटना हुई है? ये घटना ये नहर में हुई है।